दिल्ली के नागरिकों को अब मिलेगी प्रदूषण से राहत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने देश के पहले स्मॉग टावर का कल उद्घाटन किया। अगर आप नहीं जानते स्मॉग टावर क्या होता है तो आप ये समझ ले कि स्मॉग टावर वातावरण में फैली दूषित हवा को खींचकर साफ हवा बाहर फेंकता है। इस टावर से दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से काफी राहत मिलने वाली है। यह स्मॉग टावर दिल्ली के कैनॉट प्लेस इलाके में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर बना है। बता दे कि दिल्ली कैबिनेट ने अक्टूबर 2020 में स्मॉग टावर परियोजना को मंजूरी दी थी। कैनॉट प्लेस में बना ये स्मॉग टावर 1 वर्ग किलोमीटर एरिया की हवा को साफ करेगा और लोगों को प्रदूषण से बचाएगा। यह स्मॉग टावर वातावरण से दूषित हवा को खींचेगा और साफ हवा करके 10 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ेगा। यह स्मॉग टावर कुल 20 करोड़ की लागत से बना है। पिछले हफ्ते दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने बताया था कि 20 मीटर लंबी संरचना वाले टावर को कैनॉट प्लेस में स्थापित किया गया है, जो 1 किलोमीटर के दायरे की हवा की गुणवत्ता में सुधार करेगा। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि इस टावर की लागत 20 करोड़ रुपए है। इस टावर का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने IIT बॉम्बे के तकनीकी सहयोग की मदद से किया है। कोरोना संक्रमण के कारण हो रही दिक्कतों के चलते इस टावर का उद्घाटन देरी से किया गया। दिव्य हिंदी न्यूज दिल्ली। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।